सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, यहाँ पर काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़ निकल कर आ रही है डायरेक्टर लोकेश कनगराज की तरफ से। जी हाँ गाइज, आपको पता ही हुआ कि लोकेश कनगराज साउथ के काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं। यहाँ पर उन्होंने मतलब कि केथी, विक्रम, लियो जैसी मूवी दी है अपने करियर में। अभी लियो मूवी जो आ रही है वो भी वही बना रहे हैं, मतलब कि मूवी के डायरेक्टर लोकेश कनगराज है। एंड बताया जा रहा है कि लोकेश कनगराज अब सिनेमा को छोड़ने वाले हैं, मतलब कि सिनेमा को क्विट करने वाले हैं। तो यहां पर ये काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो गाइस, क्या अगर वो सिनेमा को क्विट करते हैं तो जो LCU है, मतलब लोकेश कनगराज सिनेमेटिक यूनिवर्स है, जिसमें कि केथी मूवी और विक्रम मूवी एंड यहां तक कि लियो मूवी भी बताया जा रहा है कनेक्टेड है, तो क्या वो यूनिवर्स अब खत्म होने वाला है? क्या उसकी और मूवीज नहीं आएंगी? तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि लोकेश कनगराज अभी मतलब सिनेमा को क्विट नहीं करने वाले हैं। वो पहले 10 मूवीज बनाएंगे, मतलब कि 5 मूवी तो उन्होंने बना दी है, 5 और बनाएंगे, उसके बाद वो सिनेमा को क्विट करने वाले हैं। अब वो मूवीज कौन सी होने वाली है उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। एंड यहां पर भाई साहब, उनकी 5वीं मूवी जो अभी आ रही है लियो मूवी, वो मूवी उनकी 5वीं मतलब 5th मूवी ही है लोकेश कनगराज के करियर की लियो मूवी। एंड यहां पर इससे पहले भी उन्होंने केथी, विक्रम और ऐसी ही काफी बड़ी बड़ी मूवीज बनाई है और काफी शानदार मूवीज बनाई है। तो यहां पर 5th मूवी भाई साहब लियो मूवी है लोकेश कनगराज के करियर की। एंड बताया जा रहा है कि ये भी LCU से कनेक्टेड है, वो हमें 19 अक्टूबर के वैसे बात पता चलेगा, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो उनकी 6ठी मूवी रहेगी, 6th मूवी लोकेश कनगराज की लियो मूवी के बाद, वो रहेगी गाइस थलाइवर 171। एंड यहाँ पर भाई साहब, इस मूवी की शायद से मे बी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये मूवी आने वाली है लियो मूवी के बाद। इसी मूवी का डायरेक्शन करेंगे भाई साहब लोकेश कनगराज। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मूवी भी LCU यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाली है, मतलब कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्ट होके चलेगी ये मूवी भी। एंड यहाँ पर इस मूवी के बाद डायरेक्ट अपने मतलब लोकेश कनगराज KETHI 2 मूवी पर काम करने वाले हैं, जिसका कि हम को काफी बेसब्री से इंतजार है। इसका पहला पार्ट पहले आ चुका है। एंड फिर भाई साहब, लोकेश कनगराज सिनेमेटिक यूनिवर्स की 7th मूवी, मतलब उनके करियर की 7th मूवी रहेगी KETHI 2 मूवी लोकेश कनगराज के करियर की। और लोकेश कनगराज सिनेमेटिक यूनिवर्स की ये 5वीं मूवी होने वाली है। अगर थलाइवर 171 मूवी लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है, तो नहीं तो भाई साहब लियो अगर कनेक्ट ओनली होती है, तो यहां पर फिर KETHI 2 मूवी 4थी मूवी होगी LCU यूनिवर्स की। उसके बाद लोकेश कनगराज भाई साहब विक्रम 2 मूवी के ऊपर काम करने वाले हैं, मतलब आपको खुद को पता है विक्रम का पहला पार्ट आ चुका है एंड ये भी LCU यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहां पर इसके सेकंड पार्ट पर KETHI 2 के बाद लोकेश कनगराज जी काम करने वाले हैं। एंड यहां पर विक्रम 2 के बाद डायरेक्ट काम करेंगे लोकेश कनगराज रोलेक्स की मूवी के ऊपर, मतलब कि आपको खुद को पता होगा लोकेश कनगराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था यहां पर कि मैं रोलेक्स कैरेक्टर के ऊपर एक मूवी बनाना चाहता हूं, जिसमें भाई साहब रोलेक्स की ही कहानी रहने वाली है। तो यहां पर विक्रम 2 के बाद कहीं ना कहीं रोलेक्स मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन गाइस, डाउट ये यहां पर है कि बताया जा रहा है कि जो विक्रम 2 मूवी है वो भाई साहब LCU यूनिवर्स की एंड गेम होगी, मतलब कि लास्ट मूवी होगी LCU यूनिवर्स की। जी हां भाई साहब, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मतलब कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी आपने देखी होगी जैसा कि उसमें हुआ था, ऐसी ही भाई साहब LCU जो अपना भाई साहब लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स है उसकी लास्ट मूवी विक्रम 2 मूवी होने वाली है। उसमें सारी कहानी खत्म हो जाएगी LCU यूनिवर्स की। तो मुझे जहां तक लगता है, अगर विक्रम 2 इसकी लास्ट मूवी है LCU यूनिवर्स की, तो यहां पर विक्रम से पहले हमें रोलेक्स मूवी देखने को मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है गाइस मुझे भी, लेकिन मुझे लगता है विक्रम 2 अगर लास्ट मूवी है LCU यूनिवर्स की, तो रोलेक्स मूवी हमें इसके पहले देखने को मिलेगी, वरना विक्रम 2 के बाद देखने को मिलेगी। एंड जो उनकी लास्ट मूवी होने वाली मतलब 10वीं मूवी, तो गाइस वो होने वाली है एक्टर प्रभास के साथ। एंड उनकी लास्ट मूवी यही बताई जा रही है कि प्रभास के साथ लोकेश कनगराज अपनी लास्ट मूवी करने वाले हैं। इसकी गाइस काफी पहले से मतलब की बातें चल रही थी, लेकिन गाइस अभी तक पूरा इसका कंफर्म नहीं है कि प्रभास के साथ ही इनकी लास्ट मूवी होने वाली है। मतलब मूवी ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रभास के साथ भी
लोकेश कनकराज एक मूवी करने वाले हैं और ये सब मूवीज बनाने के बाद भाई साहब लोकेश कनकराज सिनेमा को क्विट कर देंगे। अब रीजन क्या है भाई साहब, मैंने एनालाइज करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर मुझे रीजन नहीं मिल पाया कि क्यों आखिर वो सिनेमा को क्विट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई साहब वो इतनी मूवी में अपना डायरेक्शन देंगे, उसके बाद वो सिनेमा को क्विट करने वाले हैं। और लोकेश कनकराज की जो ये गाइस सिनेमा को क्विट करने की खबर है वो काफी तेजी से ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप अभी भी ट्विटर खोल के देखोगे तो आपको केथी 2 मूवी मतलब की ट्रेंडिंग सेक्शन में देखेगी एंड वहीं पर आपको सारा कुछ दिखेगा कि लोकेश कनकराज की कौन कौन सी मूवी होने वाली है, मतलब केथी 2 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, केथी 2 पर कब काम करेंगे मतलब लोकेश कनकराज, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया कि केथी 2 पर और बाकी सारी मूवीज पर कब काम स्टार्ट करेंगे लोकेश कनकराज। एंड यहाँ पर कुछ यही अपडेट्स अभी तक निकल कर आ रही है कि लोकेश कनकराज भाई साहब सिनेमा को क्विट करेंगे। वैसे गाइज आपको क्या लगता है कि लोकेश कनकराज क्या सच में सिनेमा को क्विट करने वाले हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी ही और नई वीडियोस के लिए। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।